Assalamu alaikum class, this is the teacher of Sahan. After that we are on is oligopoly and monopolistic competition. इसपे हम पढ़ेंगे कि oligopoly क्या होती है, उसकी definition देखेंगे और कौन कौन सी type की market powers होती हैं जो influence करती हैं prices और output पर market में. पहले हमने देखा perfect competition, फिर हमने देखा monopoly. अब ये जो है ये इन दो extremes के बीच में होती हैं और इनका outcome हम बाद में study करेंगे साथ साथ. इस पेज पर, इसी फर्स्ट पेज पर आपको डेफिनेशन दी हुई है ओलिगोपली क्या होती है. ओलिगोपली जो है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है इन अ मार्केट विद सब्सटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री. स्मॉल ग्रुप से मतलब है फोर फर्म्स होंगी या थ्री होंगी या सिक्स फर्म्स होती हैं मैक्सिमम इसके अंदर, और ये सारी जो हैं ये मार्केट पावर होती है इनके पास और इनकी गुड्स जो हैं वो मिलती जुलती होती हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ये कम होते हैं तादाद में सेलर्स या सप्लायर्स उस चीज़ के. तो इसीलिए जिस वक्त सेलर्स कम होते हैं तो किसी हद तक उनके पास हाथ में मार्केट पावर भी आ जाती है. नेक्स्ट आपके पास ये डेफिनेशन आ रही है साइट पर कार्टल. कार्टल ये होता है अ ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट एक्सप्लिसिटली एग्री टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज. कार्टल के बारे में हमने गेम थ्योरी के चैप्टर में भी देखा था कि उसमें जो दो चार फर्म्स होती हैं किसी भी मार्केट में जो सप्लायर्स होते हैं या सेलर्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं, कोल्यूजन जिसको कहा जाता है, कि हम आपस में मिलकर कम आउटपुट है जो सेल करेंगे जिससे हमें मार्केट में पावर हमारी इंक्रीज होगी. और जिस वक्त आप आउटपुट कम करते हैं, सप्लाई कम करते हैं मार्केट में, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है. तो उनका टारगेट ये होता है कार्टल के बनाने का कि आउटपुट जो है वो कम सेल आउट की जाए और प्राइसेस हाई की जाए ताकि मोनोपोली लेवल के प्रॉफिट्स अर्न किए जाएं. नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच फर्म्स हैव मार्केट पावर बट नो एडिशनल फर्म कैन एंटर एंड अर्न पॉजिटिव प्रॉफिट्स. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स की तादाद अनलिमिटेड नहीं होती लेकिन 30, 40, 60, 50 इतनी तादाद होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर. और जैसा कि आपको पता है कि वो होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के बेतहाशा टाइप्स हैं, तो उस तरह की जो होती हैं मार्केट उसके अंदर आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाती हैं. कार्टल आपने सुना होगा उसका ऑयल प्रोड्यूसिंग जो है कंट्रीज हैं जो ओपेक जिसको कहा जाता है उन्होंने कार्टल क्रिएट किया हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल प्रोड्यूस और सेल करने के लिए, और वो मिलकर अपनी प्राइसेस जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमने हाई रखनी है और अपनी जो आउटपुट है वो किस तरह से उसमें चेंजेस लेकर आने हैं. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर. ऊपर आपने सिर्फ वो थ्री डेफिनेशंस करनी है. अब मार्केट स्ट्रक्चर्स यानी कि जो अभी हमने देखा है एक परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ चुके हैं, मोनोपोली होती है, एक ओलिगोपली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये तीन टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं और इनकी आगे से टाइप्स होती हैं. हमने अब एक छोटा सा यहाँ टेबल बना हुआ है, सिर्फ आपने टेबल देखना है. ये आपको आगे भी जाकर ऑब्जेक्टिव में अगर आप इसको रेडी कर लें और कंपेरिजन कभी भी आपको कोई पूछ ले या आपके फेवर में आए तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए. आपको टेबल को रीड आउट करना आना चाहिए और आपको इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. सबसे पहले देखें ऊपर जो हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है टॉप पर, वहां पर आपको बता रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर की टाइप्स. सबसे पहले है मोनोपोली, उसके पास उसके बाद है ओलिगोपली, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर परफेक्ट कंपटीशन. अब आपको भी पता है कि नंबर ऑफ फर्म मोनोपोली में कितने होते हैं, वन होते हैं. ओलिगोपली में फ्यू कम होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्यू और मैनी, और परफेक्ट कंपटीशन में बहुत से नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, मैनी होते हैं. एंट्री कंडीशंस क्या होती हैं, मोनोपोली में जीरो होती है, कोई एंट्री एंटर नहीं हो सकता. ओलिगोपोली में लिमिटेड एंट्री होती है, कोई आ भी जाए तो इस तरह से आगे से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि वो बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता और उसको मार्केट छोड़नी पड़ती है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री है, परफेक्ट कंपटीशन में भी फ्री एंट्री है. नेक्स्ट है लॉन्ग रन प्रॉफिट्स. मोनोपोली जो है वो लॉन्ग रन में भी पॉजिटिव प्रॉफिट्स अर्न करती है और ओलिगोपली भी जी, लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसका और परफेक्ट कंपटीशन का जीरो होता है लॉन्ग रन प्रॉफिट. ये इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं. फोर्थ है एबिलिटी टू सेट प्राइस. प्राइस सेटर होती है मोनोपोली और ओलिगोपली भी और इवन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होती है वो हर फर्म की दूसरी फर्म से बेशक टाइप एक ही होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो सारे कोल्ड ड्रिंक ही बेच रहे होंगे लेकिन सेवन अप का कोल्ड
कोला से या मरिंडा का शेजान से कोई कंपैरिजन इस इन के इस तरह से नहीं है, क्योंकि जिसने कोका कोला पीनी है वो सेवन अप या वो शेजान नहीं लेगा, या जो शेजान को फेवर करते हैं वो कोक की तरफ ना जाएं। तो इस लिहाज से किसी हद तक वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। और जो परफेक्ट कंपटीशन है वो भी प्राइस टेकर होते हैं, वो प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी प्राइस लेवल। मोनोपोली का प्राइस लेवल बहुत हाई होता है, ओलिगोपोली का और मोनोपोलिस्टिक का भी हाई होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस लेवल जो सेट करते हैं वो लो होता है। सिक्स पॉइंट है स्ट्रेटजी डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल राइवल फर्म्स बिहेवियर। इंडिविजुअल फर्म राइवल फर्म्स क्या होती हैं, मुकाबले में उनके साथ खड़ी होती हैं जो फर्म्स, उसके उस पर डिपेंड करके क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब जो मोनोपोली है उसका कोई राइवल होता ही नहीं है, तो उसको इस तरह से स्ट्रेटजी नहीं बनानी पड़ती। लेकिन ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में राइवल्स होते हैं, टू थ्री या मोर फर्म्स होती हैं जिनको आउटपुट को देख कर इन्होंने डिसाइड करना होता है कि हमने क्या आउटपुट और क्या प्राइस डिसाइड करनी है। और जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें सब लोग प्राइस टेकर्स हैं, प्राइस सेटर्स कोई नहीं है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शख्स क्या अपना डिसीजन ले रहा है, क्योंकि मार्केट में एक प्राइस डिटरमिन हो गई होती है और उस पर आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी आप आउटपुट बढ़ाओ आप उस पर उसको सेल कर सकते हो। सेवन है प्रोडक्ट्स। मोनोपोली के अंदर सिंगल प्रोडक्ट होती है, ओलिगोपोली में भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हों, लेकिन मोनोपोलिस्टिक जो है उसमें भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट होती है, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, जैसे कि वीट की मार्केट होती है, गंदम की जो मार्केट है वहाँ पर सारे लोग एक ही चीज़ गंदम बेच रहे होते हैं। एट में आपको पास एग्जाम्पल उन्होंने बता दी है, मोनोपोली में लोकल नेचुरल गैस यूटिलिटी जो गैस प्रोवाइड करती है उस लोकली उसकी यूटिलिटी कहा जाता है, जैसे कि होते हैं ना पानी या गैस या बिजली, ये चीज़ें जो आम इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी ओलिगोपोली के अंदर आपको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की मिसाल दे रहे हैं जो कार्स वगैरह बनाते हैं उनकी। मोनोपोलिस्टिक में प्लम्बर्स इन अ स्मॉल टाउन, और परफेक्ट कंपटीशन में एप्पल फार्मर्स या वीट फार्मर्स आप कह सकते हैं। बस आपने ये टेबल आपको आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको इन चारों मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी समराइज किया हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्टल्स। जब आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए कार्टल्स, तो आपने ऊपर जो सबसे पहले पेज पे आपने डेफिनेशन की है आप वो लिखेंगे, उसके बाद आप ये यहाँ ओपेक की एग्जाम्पल सेट करेंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, उसके बाद फिर आप जो आपने ऊपर टेबल देखा है उसके अंदर जहाँ कार्टल्स के बारे में 3 to 4 इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हैं या उससे ज़्यादा, आप वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप उसको इंट्रोडक्शन देते हैं सबसे पहले टॉपिक का। उसके बाद लास्ट आप देखेंगे जो ये लकी ली से शुरू हो रहा है, इसमें वो क्या बता रहे हैं कि जो जैसे हमने गेम थ्योरी में पढ़ा था कि चांस ऑफ चीट मौजूद होता है, कार्टल्स जो क्रिएट कर लेते हैं आपस में एग्रीमेंट करके कि हम कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे कम आउटपुट और हम प्राइस हाई रखेंगे। अब दोनों जो या दो से ज़्यादा जो कार्टल के अंदर मौजूद होती हैं उनके पास चांस होता है कि दोनों हाई प्राइस पर अपने अपने तौर पर क्वांटिटी अगर ज़्यादा कर दें तो वो ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकती हैं। जाहिर है कि उनका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, P/Q होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो उनको उस पर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। अच्छा जी, अब जो चांसेस ऑफ चीट है इस वजह से कंज्यूमर्स का भला हो जाता है कि आउटपुट जो मार्केट में वो उन्होंने फैसला किया होता है कि हम कम बेचेंगे, वो इन दी एंड क्या होता है कि दोनों चीट करते रहते हैं और ज़्यादा आउटपुट सप्लाई कर देते हैं इन दी एंड मार्केट में, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स का भला होता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नुकसान होता है कि वो मोनोपोली प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते, उनको कम प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद बता रहे हैं कि वाई कार्टल्स फॉर्म। इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं जानना, इसमें आपने बस बताना है ये शुरू से अ कार्टल फॉर्म्स, जो फर्स्ट लाइन शुरू हो रही है वो आप वन एंड हाफ लाइन शुरू से करेंगे कि कार्टल जो है वो फॉर्म होता है इफ मेंबर्स ऑफ कार्टल बिलीव दैट दे कैन रेज देयर प्रॉफिट्स बाय कोऑर्डिनेटेड डायरेक्शन। अगर उनको लगता है कि हम आपस में कोऑर्डिनेट करें तो हमारा प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकते हैं। उसके बाद आपने ये नेक्स्ट पैराग्राफ इसी पैराग्राफ की अगली लाइन करनी है, व्हेन अ फर्म एक्ट्स इंडिपेंडेंटली,
जब इंडिपेंडेंटली काम करती है तो उसको फिक्र होती है कि दूसरी फर्म क्या एक्शन लेगी जिसका मेरी आउटपुट पर, मेरे प्रॉफिट पर इफेक्ट होगा। लेकिन जिस वक्त वो कार्टल क्रिएट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो उनको ये फिक्र थोड़ी कम हो जाती है कि दूसरे शख्स के एक्शन से मेरा प्रॉफिट इफेक्ट ना हो या कम ना हो। ठीक है जी, तो इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करने के बजाय आपस में एफर्ट्स कंबाइन कर लेते ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। उसके बाद फिर आपने इसका करना है नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये शुरू से ऑल दो कार्टल्स कह रहे हैं कि ओलिगोपली मार्केट में होती हैं, लेकिन कंपेटिटिव मार्केट जो होती हैं उसके अंदर भी ये हो सकता है। जहाँ पर लिखे कंपेटिटिव मार्केट सेकंड लाइन, वहाँ तक आपने इसका निशान लगाना है कि परफेक्ट कंपटीशन में भी कार्टल्स क्रिएट किए जा सकते हैं कि अगर फर्म्स, कुछ फर्म्स आप आपस में कॉपरेट कर लें, एग्रीमेंट कर लें। उसके बाद आपने करना है इफ आइडेंटिकल फर्म्स, आइडेंटिकल कंपेटिटिव फर्म इन इंडस्ट्री, अगर तो वो सारी मिलकर अपने आउटपुट को कम कर लें सेम अमाउंट में, तो क्या होता है कि मार्केट प्राइस जाहिर है ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है। इस वजह से जो उनका प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इवन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी। इस रीज़न की वजह से परफेक्ट कंपटीशन, जो परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट्स हैं, वो भी कार्टल्स क्रिएट करती हैं ताकि हम स्मॉलर आउटपुट प्रोड्यूस करें और हमारे ज़्यादा जो प्रॉफिट्स हैं वो अर्न कर सकें। अब नेक्स्ट वो आपके पास जो डायग्राम है उसको डिस्कस कर रहे हैं। डायग्राम की सिर्फ आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, और डायग्राम एक टिपिकल डायग्राम है जो कि हम देख चुके हैं कोस्ट कर्व्स के अंदर, और जो मोनोपोली की हमने देखा था डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है उसका, बिल्कुल उसी तरह से है। जो लेफ्ट साइड पर है वहाँ पर दिया गया है जी एवरेज कोस्ट कर्व जो यू शेप्ड है, और मार्जिनल कोस्ट कर्व जो है वो उसके मिनिमम पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का वो एरिया जो एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उससे ऊपर का सारा एरिया मार्जिनल कॉस्ट का वो एक फर्म का सप्लाई कर्व होता है। इसीलिए ये देखें, ये यहाँ इस पॉइंट तक सप्लाई कर्व इस तरह से है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है। अच्छा जी, अब आपने क्या देखना है कि तीन तरह की वो कंपैरिजन करेंगे। एक तो जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें क्या होता है कि वहाँ वो उस लेवल पर जाकर अपनी आउटपुट डिसाइड करते हैं जहाँ पर उनकी प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। आपको पता है कि प्राइस जो है वो डिमांड कर्व से शो होती है, और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये वो सप्लाई कर्व भी होता है फर्म का। अब इस यहाँ पर ये है सप्लाई कर्व जो कि इस फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और जो डिमांड कर्व है वहाँ से शो होगी आपको प्राइस। अच्छा जी, जहाँ पर सप्लाई और डिमांड कर्व का इंटरसेक्शन होगा इस पॉइंट पर, इसको ईसी कहा गया है, यहीं पर परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट अपनी क्यूसी आउटपुट डिसाइड करती है प्रोड्यूस करने के लिए, और पीसी प्राइस है जो वो चार्ज करते हैं। लेकिन जिस वक्त मोनोपोली प्रॉफिट होता है उसमें क्या होता है, जहां एमसी इक्वल टू एमआर होते हैं, क्योंकि इस मोनोपोली प्रॉफिट अर्न करने वाली जो फर्म है उसके एमआर वो कम होते हैं एवरेज रेवेन्यू से। ठीक है, इसीलिए उसका मार्जिन रेवेन्यू कर्व अंदर की तरफ को लाया करता है डिमांड कर्व से पीछे की तरफ। जहाँ पर एम सी एम आर के बराबर है इस लेवल पर वो क्यू एम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, और प्राइस वो चार्ज करते हैं ई एम तक लेकर जाता है डिमांड कर्व तक, और पी एम प्राइस है जो हायर प्राइस है मोनोपोली लेवल की प्राइस वो चार्ज करते हैं। अब देखें कि यहाँ पर पी एम और जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये सारा जो है ये प्रॉफिट अर्न करती हैं इतना हाई लेवल पर। और जो कार्टल्स हैं वो इसी वजह से, अगर तो सक्सेसफुली क्रिएट भी हो जाएं और कॉपरेट करके वो कम आउटपुट करके प्राइस राइज करके ऑपरेट करना शुरू कर दें, तो वो मोनोपोली प्रॉफिट्स अर्न कर सकती हैं। इवन कंपेटिटिव फर्म्स भी अगर कॉपरेट कर लें और कार्टल बना लें तो वो भी मोनोपोली प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। बस आपने ये इसका कंपैरिजन बताना है, और शॉर्ट सी आपने इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेनी है, डायग्राम जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है लॉज अगेंस्ट कार्टल्स, के कार्टल्स को अगेंस्ट कौन से लॉज होते हैं। आपने इसमें पूरी डिटेल नहीं बतानी, आपने सिर्फ इतना सा बताना है कि जो कार्टल्स हैं उनको ट्रस्ट भी कहा जाता है, और उसके बाद आप बताओगे कि इसीलिए इसके अगेंस्ट जो लॉज होते हैं उनको एंटी ट्रस्ट लॉज कहा जाता है। ठीक है जी, ये आप बस बता देंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें से लाइन लेनी है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि
ये एंटी ट्रस्ट लॉज जो हैं, जब आप बता दोगे उसको एंटी ट्रस्ट लॉ ट्रस्ट लॉ कहते हैं, फिर आप बताओगे विच प्रोहिबिट्स फर्म, जो कि फर्म्स को रोकता है फ्रॉम एक्सप्लिसिटली एग्रीइंग टू टेक एक्शन दैट रिड्यूस कंपटीशन, कि कंपटीशन को कम करती है, जिसकी यानी कि वो प्राइसेस हाई सेट करना चाह रहे होते हैं, आउटपुट कम करना चाह रहे होते हैं, तो इस चीज़ से वो उनको रोकती है। और एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या है कि जहर जरीन उनको मना किया जाता है, इसलिए ज़्यादातर फर्म जो है वो सीक्रेटली कोल्यूड कर लेती हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट्स लीगल नहीं होते, इसीलिए उनको खुफिया तौर पर ये काम करना पड़ता है। अच्छा जी, इसके अंदर आपने ये पैराग्राफ आप करेंगे फिक्सिंग द आउटपुट, यहाँ तक ये जहाँ पे इसका पैराग्राफ एंड हो रहा है कि जो लॉज हैं इसके खिलाफ जब कोई फर्म जाती है तो उनको पनिशमेंट की जाती है, तो बस आप यामने यहीं तक करना है, से आगे नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है जी व्हाई कार्टल्स फेल, इसमें भी आपने बिल्कुल शॉर्ट करना है, शुरू में जहाँ से आ रहा है मैनी कार्टल्स फेल इवन विदाउट लीगल इंटरवेंशन, ये जनाब आप शुरू की लाइन करेंगे, लार्ज क्वांटिटीज अगर कोई और फर्म जो है वो सेम आउटपुट सप्लाई कर सकती है मार्केट में और जो कार्टल का हिस्सा भी नहीं है, तो इनके जो कार्टल है ऐसी पावर कंट्रोल कम होता है इनका, जिसकी वजह से कार्टल्स फेल हो जाते हैं। बस ये डेड लाइन ऊपर से आपने करनी है। नेक्स्ट आपने करना है इन एडिशन से कि ईच फर्म जो कार्टल में जाती है उसके पास चांस होता है कि वो चीट करे, अपनी आउटपुट इंक्रीज करे और हायर प्राइस पर अपने लिए प्रॉफिट्स को इंक्रीज करें और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, तो इसलिए चांस ऑफ चीट होता है, जिस वजह से ये दो रीजंस हैं कि कार्टल्स फेल हो जाते हैं। इसको आप यूं बुलेट्स बनाकर जो है वो आप बता सकते हैं, ये बस टू रीजंस को। नेक्स्ट जी है जी मेंटेनिंग कार्टल, कि किस तरह से मेंटेन किया जाता है कार्टल को, कोई शख्स एग्रीमेंट छोड़ कर ना जाए। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये टॉपिक आ जाए कि किस तरह से कार्टल्स मेंटेन किए जाते हैं, तो आपने गेम थ्योरी के नोट्स में ये ऑलरेडी कर लिया हुआ है, तो आपको दोबारा यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बस ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया।